शहर में टेम्पो की नंबर प्लेट पर डंपर द्वारा सड़क पर अवैध रूप से बजरी का परिवहन करने का मामला सामने आया है। फर्जी नंबर प्लेट तथा अवैध रूप से परिवहन करने का खुलासा परिवहन विभाग के नियमित चेकिंग के दौरान हुआ है। विभाग ने डंपर को जब्त कर चालक तथा मालिक के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। साथ ही अवैध रूप से बजरी परिवहन के मामले में कार्यवाही हेतु खनन विभाग को सूचित किया है। डीटीओ प्रकाश टहलियानी ने बताया कि गुरुवार देर शाम को विभाग की टीम शहर के अजमेर रोड पीपलास टोल नाके के समीप नियमित गश्त कर रही थी। इस दौरान वहां से बजरी से भरा एक डंपर गुजर रहा था। टीम ने डंपर को रुकवा कर बजरी संबंधित तथा वाहन से संबंधित कागजात मांगे तो चालक के पास दोनों ही दस्तावेज नहीं थे। इस पर विभाग की टीम ने डंपर को जब्त कर परिवहन कार्यालय पहुंचाया। डीटीओ टहलियानी ने बताया कि डंपर पर लगी नंबर प्लेट के आधार पर डीटेल खंगाली तो पाया कि डंपर पर लगी नंबर प्लेट किसी टेम्पो की है। परिवहन अधिकारी ने बताया कि फर्जी नंबर प्लेट को लेकर डंपर मालिक तथा चालक के खिलाफ सदर थाने में शिकायत दी गई है। साथ ही अवैध रूप से बजरी परिवहन हेतु खनन विभाग को भी सूचित किया गया है। ये कल जो है नियमित चेकिंग के दौरान जो बजरी ओवरलोड वगैरह चल रही है और अवैध रूप से बजरी चल रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कल हमें एक ट्रेलर पकड़ा है जिसमें कि जो उसका नंबर प्लेट है ओरिजिनल वो जो है लगी हुई थी, वो किसी टैक्स अपना टेम्पो लोडिंग टेम्पो की है। और एक्चुअल में जब हमने नंबर चेस नंबर से चेक करे तो उसका नंबर दूसरा था। तो इस चीज़ सारे संदर्भ में एक तो बजरी अवैध रूप से ले जाई जा रही थी नंबर वन, और नंबर टू फर्जी नंबर प्लेट है। तो दोनों की जो है ना FIR हम लोग करवा रहे हैं इसकी सदर थाने में, और बाकी हम जो विभागीय कार्रवाई होती है। ये गाड़ी जो है कागज़ चेक करने पर जो हमारे एज पर रूल्स है ये शिव दान सन ऑफ बन्नालाल गुजर बलवंता अजमेर के नाम से पाएगी, और जो गाड़ी में नंबर प्लेट थी वो एक टेम्पो की है।